हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल बिमल। आज बहुत ही गंभीर विषय है कि आज की एक न्यूज है जो पत्रिका में आई, उसकी हेडिंग में आज आपको बताता हूं। अब फुटपाथ पर सब्जी चाय पान बेचेंगे 3 लाख शिक्षित युवा। आप पढ़ के देख सकते हैं, आज 19 मई 2021 का ये न्यूज़पेपर है। और इस तरह की खबरें आप और भी पूर्व में सुनते रहे हैं कि पढ़े लिखे शिक्षित लोगों ने जो है हजारों लाखों की संख्या में जो लोग हैं, जो हमारे युवा हैं, बेरोजगार हैं और जो है आवेदन करते हैं ऐसी पोस्टों के लिए जो उनको नहीं करनी चाहिए या उस योग्य उससे ज्यादा उनकी योग्यता है, चपरासी तक के लिए जो है वो ऐसे आईएएस आईपीएस बनने वाले जो बच्चे हैं, आईआईटी कर चुके हैं, बीकॉम कर चुके हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट हैं और भी बहुत सी डिग्रियां करके बैठे हुए हैं, ऐसे लोग भी जो है उसमें जो है अपना आवेदन करते हैं। इतनी चरम पर बेरोजगारी पहुंच चुकी है और इसका जो है वर्तमान में कोरोना काल की वजह से पूरे भारत में ही ये स्थिति जो है बहुत ही चरम सीमा पर है। वैसे भी आप आंकड़ा देख सकते हैं, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा अगर युवा हैं तो भारत में हैं और सबसे ज्यादा यदि बेरोजगार युवा हैं तो वो भी भारत में है। हाँ, इतना जरूर है कि इन बेरोजगारों को बेरोजगारी का एहसास ना हो, इसके लिए एक बहुत ही फंडा जो है बना के रखा गया है कि इनको 1GB 2GB 3GB नेट इनको फ्री दिया जाए, इनके हाथ में मोबाइल हो। तो इन बेरोजगारों को बेरोजगारी का एहसास ही नहीं होता कि हम बेरोजगार हैं। मैं कहता हूं, एक दिन, दो दिन, तीन दिन के लिए आप नेट बंद करके देखिए, मोबाइल को अपने से दूर करके देखिए, तो आपको बेरोजगारी का एहसास होगा। पूरे भारत में एक भी आंदोलन इसलिए नहीं हुआ कि हमको नौकरी नहीं मिली, बेरोजगारों ने कोई आंदोलन नहीं किया, बेरोजगारों ने नौकरी की मांग नहीं की, नौकरियों को प्राइवेटीकरण करके जो खत्म किया पर जो है भी उसके लिए नहीं किया गया। तो इस तरह से जो है ये चरम पर है, इसका जीता जागता उदाहरण है। ये मैं अपने तरफ से आंकड़े नहीं बता रहा हूं, आप देख सकते हैं। ये न्यूज जो है भोपाल यानी मध्य प्रदेश की न्यूज है, भारत का आंकड़ा बहुत बड़ा हो सकता है। अब फुटपाथ पर सब्जी चाय पान बेचेंगे 3 लाख शिक्षित युवा। वैसे तो संख्या बहुत ज्यादा है लेकिन जिन्होंने इस पर जो है दर्ज किए है वो लोग हैं। 10 लाख से ज्यादा लोगों ने किए आवेदन, इसमें रिजेक्ट भी हुए बहुत से, तब इतने हैं। 10 लाख से ज्यादा लोगों ने किए आवेदन। प्रदेश में स्ट्रीट वेंडर योजना में 10 लाख से ज्यादा लोगों के आवेदन आए हैं। इनमें से 3 लाख से ज्यादा ऐसे युवक हैं जो 10वीं से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट स्नातकोत्तर तक कर चुके हैं। इनके सबसे ज्यादा आवेदन सब्जी चाय पान नाश्ता घरेलू सामान बेचने के लिए आए हैं कि हमें परमिशन दे दीजिए, पुलिस हमको परेशान ना करे, नगर पालिका प्रशासन हमें परेशान ना करे। और इसमें से 3,86,072 के आवेदन निरस्त भी किए गए। और इस तरह से आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश की शहरी क्षेत्रों में फुटपाथ और फेरी लगाकर फल सब्जी कपड़े झाड़ू चाय नाश्ता सहित अन्य 35 तरह के सामान बेचने के लिए स्ट्रीट वेंडर योजना लॉन्च की गई है। और आप अब भी कर सकते हैं, इस योजना को देख सकते हैं। इस योजना से सरकार लोगों के रोजगार स्थापित कराने का प्रयास कर रही है। लाइसेंस मिलने के बाद उन्हें शहरों में नगर निगम और पुलिसकर्मी रोजगार करते समय परेशान नहीं कर सकेंगे, इसलिए जो है बेरोजगारों की भीड़ लगी हुई है। इस समय रोजगार चारों तरफ से ठप हो चुका है, लोग जो है भूखे मरने की नौबत तक आ चुकी है। हालांकि शासन इनको राशन मुहैया करा रही है लेकिन फिर भी केवल राशन से ही नहीं, ढेरों आवश्यकताएं जरूरत होती है। तो चारों तरफ जो भी है, जैसा भी समय है अभी कोरोना काल में, तो हमें उससे निपटना ही है और धीरे धीरे इससे बाहर भी आना है। लेकिन आप ये स्थिति देख सकते हैं कि इसके तहत जो है कितनी भयानक स्थिति हो चुकी है कि अच्छे अच्छे पढ़े लिखे बेरोजगार युवा जो है एक सब्जी बेचने के लिए, एक चाय बेचने के लिए, पान का ठेला लगाने के लिए और छोटे मोटे सामान बेचने के लिए, झाड़ू बेचने के लिए, इन चीजों के लिए जो है आवेदन कर रहे हैं कि हमें इसकी परमिशन मिल जाए। तो इसलिए बहुत ही गंभीर मुद्दा है कि हम जो है आज भी जो है इसमें शहरी क्षेत्रों में 37% महिलाएं भी हैं फुटपाथ पर कारोबार करती हैं, जबकि पुरुषों की भागीदारी 62% से भी अधिक है। तो बहुत ही गंभीर मुद्दा है, बहुत बड़ा रोजगार का संकट है। तो इसमें आप चाहे तो आवेदन कर सकते हैं, लेकिन मेरा कहने का अर्थ केवल यही है कि अब जो है इतने जो शिक्षित युवा हैं उसके बाद भी जो है आज हमारा देश जो है सरकारें ये रोजगार उनको मुहैया नहीं करा पा रही है, तो प्राइवेट सेक्टरों में कोशिश कर रहे हैं लेकिन
ये कोरोना की वजह से बेचारे वो भी नहीं कर पा रहे हैं, कई जगह से फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, तो वहां से काम उनका छूट रहा है। लगभग जो है 10-15 करोड़ नहीं, लगभग 50 करोड़ लोग से भी ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं, जिनके रोजगार गए हैं। तो इसलिए जो है मैं यही आशा करता हूं कि ये जो बुरा समय निकल जाए, ऐसे शिक्षित जो लोगों को वास्तव में जिस योग्य हैं उस योग्य जो है इनको अवसर मिले, नौकरियां मिले। इसी आशा विश्वास के साथ आप समझ गए होंगे कि आप थोड़ी देर के लिए आप समझें और आप चाहे तो इसमें आवेदन करें, और 2-3 दिन नेट अगर बंद करके देखते हैं तो अब शायद बेरोजगारों को बेरोजगारी का एहसास